दूर दराज से आई हुई समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी सहित मिलकर के सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों कम करा यार, टीटी कर दिया है। साथियों मैं आप सबको फिर संगीत की दुनिया की तरफ ले चलता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या और मैं रहने वाला कहाँ हूँ। साथियों मेरा नाम पिंटू है, मैं सालिकपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम श्री राम सिंह भट्टा मालिक है, हमसे बड़े हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम श्री मंगल सिंह है। यार कैसे सिटिया मार रहा है यार। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है साथियों। बड़े भैया की शादी हो गई है, हमारी भाभी माँ घर में आई हुई है। भाभी माँ का नाम श्रीमती रीता है। हमारे भट्ठे पर हमारा एक वफादार नौकर है जिसका नाम बबलू है। आज होली का त्योहार है, हमारे बाबूजी इतने कमीने इंसान हैं कि शालिकपुर ग्राम सभा के सभी मजदूरों से काम करवाते हैं, लेकिन कभी भी त्योहार के दिन एक रुपए ज्यादा नहीं देते हैं। आज मैं यही सोचा कि होली का त्योहार है, मैं अपने बबलू भैया के घर चला जाऊं, क्योंकि वो मेरा वफादार नौकर है बेचारा। मैं अपने बबलू भैया को कुछ पैसे दे दूं ताकि होली का त्योहार कायदे से हो जाए। यही सोच करके मैं आज बबलू भैया के घर पर आ गया हूं, लेकिन बबलू भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आवाज दे करके बबलू भैया को बुलाता हूं। अरे बबलू भैया, अरे ओ बबलू भैया, अरे बबलू भैया, बबलू भैया नहीं है क्या भाई? नहीं भैया, नहीं भैया। तो रो क्यों रहे हो? मालिक घर पर पुलिस वाले आए थे। मालिक पुलिस वाले? हाँ मालिक। क्या किया उसने? बबलू भैया को पकड़ के थाने लेके चले गए। बबलू को पुलिस वाले ले गए? हमारी भाभी माँ कहाँ है? भाभी माँ रो रही है भैया, मैं समझा रहा हूँ। बुलाओ भाभी माँ। भाभी मेरी बात सुनो भाभी माँ,
क्या देख रहा हूं कि आपकी आंखों से आंसू दिखाई दे रहे हैं, और आज आज क्या इस बात को तुम अपने बबलू अपने पिंटू से नहीं बताओगे? भाई मां, हमारी बबलू भैया आखिर जेल गए, तो आज आज हमारे बाप की बदौलत से गए। भाभी मैं सब कुछ जानता हूं। भाभी मां, हमारा बाप राम सिंह भट्टा मालिक इतना कमीना इंसान है कि आज मेरी मां को मार करके सारा जुर्म हमारे बबलू भैया पर लगाया। भाभी मां, मैं इस सारी बात को जानता हूं, लेकिन भाभी मां मत रो। भाभी मां, मुझे आने में काफी देर हो गई भाभी, और आज कहती हूँ कि पुलिस वाले हमारी भैया बबलू को पकड़ कर ले गए। भाभी मां, अरे भाभी मां, मैं अदालत में जा करके गवाही दूंगा, और मैं यही कहूंगा कि मेरी मां की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप राम सिंह भट्टा मालिक है। मैं अपनी आंखों से देखा था भाभी मां, मेरी बबलू भैया ने मेरी मां को नहीं मारा था, मेरा बाप कमीना शराब पी करके आया, मेरी मां से खाना मांगने लगा, मेरी मां की तबीयत खराब थी भाभी मां, मेरी मां उठ करके खाना दे ना सकी, क्रोध में आकर के ऐसा तमाचा खींच करके मारा
मंजिल से नीचे नहीं गिर पाई बाबू माँ, जब मेरी माँ दो मंजिल से नीचे गिरी तो मेरी माँ ने जगह पर दम तोड़ दिया, मेरी माँ की लाश उठवा करके भट्टी में डलवा दिया मेरा बाप। मैं सब कुछ जानता हूँ भाभी माँ, भाभी माँ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं हुआ मां के कर भीखी भाभी खिलाऊंगा। मैं जानता हूं कि आज मेरे बाप के वजह से आज आपके पति यानी मेरे बबलू भैया जेल गए। आज मैं वादा करता हूं कि जब तक हमारे बबलू भैया छूट करके घर नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा भाभी। अगर मुझे भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं भीख मांग करके तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा भाभी। मेरी बात सुनो भाई, सुहाना मिलेगा अगर देखना ना पड़ेगा गमोती। तिवारी मौर्या किराऊ तिवारी मेरा कोई नहीं है। मैं जानता हूं भाभी कि आज हमारी शालिक प्रोग्राम सभा की जितने भी मजदूर हैं बेचारे सब हमारे बाप के भट्टे पर काम करते हैं, लेकिन हमारा बाप कमीना सभी मजदूरों को बहुत सताता है। मैं जानता हूं, लेकिन आज मैं वादा कर रहा हूं कि जब तक बबलू भैया घर पर नहीं आएंगी तब तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा भाभी माँ। देख करूंगा, तुम चिंता ना करो भाभी माँ, बबलू भैया को छुड़ाने का इंतजाम मैं करूंगा और बहुत जल्दी छूट करके अपने घर पर आ जाएंगे भाभी माँ।